चलिए करते हैं स्टार्ट। फटाफट से लिंक को शेयर कर दो सभी के साथ, ठीक है? एंड लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए सेशन। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। बहुत अल्टीमेट कंटेंट आपको पढ़ाया गया, आपके एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई गई। अब रीनेट होने वाला है तो उसके लिए भी तैयारी करवाई जा रही है। तो ऑलरेडी जो हम थ्योरी कर चुके हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। प्लेलिस्ट वगैरह आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मिल जाती हैं। इंपॉर्टेंट सेशंस को मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर देती हूँ सो दैट आपको वो सेशन टाइमली मिल जाए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल, ये तो है ही कॉमर्स के लिए। कॉमर्स एजुकेटर हूँ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे भी। तो अगर आप पेड कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। फ्री क्लासेस की पीडीएफ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिलती है, और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। लिंक्स एंड अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्विजेस, फ्री मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें मिलती है, क्लासेस और उनके पीडीएफ। और आपके लिए हर मंडे और थर्सडे एक फ्री मॉक टेस्ट होता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है? और जो भी बच्चे पेड बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आपके लिए 7 जुलाई तक लास्ट डेट है कोर्सेज में एनरोलमेंट लेने की। 8 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो सारे कोर्सेज जो है वो अब उनमें एनरोलमेंट बंद हो जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। कल ओरिएंटेशन सेशन भी लिया था मैंने शाम को 7 बजे, तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप मेरे साथ जुड़ के अपने 5-6 महीने नेक्स्ट एक जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हो और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ आपके सिलेक्शन में, तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड कॉमर्स मैं आपके लिए लेती हूँ और पेपर वन में मैथ्स और डीआई कवर करवाती हूँ, ठीक है? और 100 स्टूडेंट्स का ही बैच होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आप ले सकते हैं क्योंकि ये जो स्लॉट है वो पूरा होने वाला है। ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे। 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ, टेस्ट सीरीज पेपर वन पेपर टू की, हैंडबुक पेपर वन एंड पेपर टू की, इंटरव्यू गाइडेंस एंड क्रैश कोर्स, सारी चीजें मिलेंगी। टॉपिक वाइज डेली क्विज मिलेगा, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको 5 से 10 क्वेश्चन है जो मिलने वाले हैं, ठीक है? और पर्सनल सपोर्ट रहता है, कुछ भी डाउट होते हैं आपके, आप डाउट क्लियरिंग सेशन बिल्कुल वीडियो चैट के थ्रू भी आप डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। मतलब फेस टू फेस भी हमारे डाउट्स हैं जो बिल्कुल सॉल्व होंगे, ठीक है? कोई इमेजेस वगैरह आपको शेयर करनी होती है वो सारी चीजें हो जाती हैं, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हो। और आपको ये सारे चीजें मिल जाती हैं। ओनली पेपर वन एंड ओनली पेपर टू के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो हम कर रहे हैं स्टार्ट, बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स की। आप सबसे पहले मुझे ये बता दो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग मिक्स? आप क्या समझते हैं मार्केटिंग मिक्स से? जब हम मार्केटिंग यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके जो कोर मीनिंग है मार्केटिंग, ये तो हमें पता होना ही चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, और फिर ये जो मार्केटिंग मिक्स है इसको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, मार्केटिंग से आप क्या समझते हो? जिस भी लैंग्वेज में आप बताना चाहते हो बता दो, प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपसे नहीं डिमांड कर रही हूं, मैं कोर मीनिंग समझना चाहती हूं बस। वेरी गुड इवनिंग गाइस। हाँ देती हूँ श्रेया, ठीक है? आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस हो रही हैं तो थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिल पा रहा। मैं आज रात को वीडियो शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी। बताइए मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? 11th क्लास में मार्केटिंग चैप्टर था ना, उसमें पढ़ी होगी डेफिनेशन। अगर आपको याद हो एक टर्म आती है, पेपर में भी एक टर्म पूछी गई थी, बताई गई थी, और वो स्टेटमेंट इस तरीके से थी, मार्केटिंग का मतलब है कि सेलिंग को सुपर फ्लोस बनाना। मार्केटिंग मीन्स टू मेक सेल्स सुपर फ्लोस। सुपर फ्लोस मतलब क्या होता है? कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो ये बोला गया है मार्केटिंग क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे हम सेल्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। सेलिंग क्या होता है? एक सामान को बेचना। मार्केटिंग होता है कि आपको क्या करना है, एक व्यक्ति को ये एहसास दिलाना है, ये प्रूफ कर देना है कि वो उसकी बिल्कुल नीड है, ये प्रोडक्ट और ये सर्विस लेके उसकी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसीलिए हम ये बोलते हैं मार्केटिंग में कि मार्केटिंग स्टार्ट कहां से होती है। मार्केटिंग स्टार्ट होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिजाइन करेंगे, किन लोगों के लिए बनाएंगे, तो आपको रिसर्च करनी है, वहां से स्टार्ट करोगे। एंड मार्केटिंग एंड कहां पे होती है? स्टार्ट होती है आइडिया से कि आपको सेटिस्फाई करना है नीड्स को,
एंड खत्म हो जाती है आफ्टर सेल सर्विसेज से, कि जब आपका एक आइडिया था उसने शेप ली, एक आउटकम निकल के आया, उसको आपने सेल किया, सेल कैसे किया सारी चीजें, और आपने आफ्टर सेल सर्विसेज करके क्या किया है, उस कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया है। तो सेटिस्फेक्शन से यहां पे हमारे पास जो मार्केटिंग है वो खत्म होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो चलती हैं, और मार्केटिंग का मतलब है कि आप एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, जो भी उनके कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट के, उनको क्या कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट से कंज्यूमर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। एक वर्ड आता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? तो प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि वो लोग जो कस्टमर बन सकते हैं, कस्टमर टू बी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कस्टमर टू बी। अब जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है आपका एक्स वाई जेड, आप उस प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और आप किन लोगों को एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, जो आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, मार्केटिंग में हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो होते हैं हमारे कंज्यूमर्स जो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद रहे हैं, एक होते हैं प्रोस्पेक्ट जो आपका कंज्यूमर बन सकते हैं। तो आपका यहाँ पे मेन टारगेट यही रहता है कि जो प्रोस्पेक्ट है उनको कंज्यूमर में कन्वर्ट किया जाए, कि जो पोटेंशियल रखते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट शेप, साइज, क्वांटिटी जो भी, एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ प्लेस, अवेलेबिलिटी आई कैन से, और इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन। तो ये चीज हमें यहाँ पे मेक श्योर करनी होती है, और ये सारी चीजें करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसे कॉम्बिनेशन की जो हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सके। और जब हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, मार्केटिंग प्रोसेस में चल रहे होते हैं, तो हमारे पास एक टर्म आती है मार्केटिंग मिक्स। और ये जो मार्केटिंग मिक्स है, ये है क्या, ये कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पीज। ये चार पी का कॉम्बिनेशन है, और ये चार पी किस लिए स्टैंड करते हैं? पहला पी होता है प्रोडक्ट, दूसरा पी होता है प्राइस, तीसरा पी होता है हमारे पास प्लेस, और जो फोर्थ पी होता है वो होता है प्रमोशन। अब ये कैसे, ये क्यों जरूरी है, किसने दिए, ये सारी चीजें हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट बनती हैं, और हमें इनको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्केटिंग में ये भी बोल सकते हैं स्टार्टिंग में कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं डिमांड को, डिलीवर करते हैं, और साथ ही साथ ऑफर करते हैं वैल्यू टू द कस्टमर्स। और वो सारी चीजें करने के लिए इन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके क्या है, मार्केटिंग मिक्स का यहाँ पे कॉम्पोनेंट है। तो मॉडर्न मार्केटिंग में, यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स में एक बहुत मेजर कंसेप्ट है जिसको हम पढ़ते हैं, ये बहुत कहानी सी लिखी हुई यहाँ पे। काम क्या है मार्केटिंग मिक्स का, कि जो कंपनी है ना वो इसको इसलिए यूज करती है कि जो कंज्यूमर के परसेप्शन है, कंज्यूमर का परसेप्शन क्या होता है, कोई चीज के बारे में आप सोच सुनते हो तो आपके मन में कुछ अवधारणाएं बनी हुई है, कुछ धारणाएं बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अल्कोहल, कुछ लोग बोलेंगे उसके बेनिफिट्स के बारे में, कुछ लोग बोलेंगे उसके यूज के बारे में, कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो गलत चीज है। तो हर एक पर्सन का अलग क्या है, यहाँ पे परसेप्शन है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है उसका परसेप्शन हमारे प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल हो जाए, हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के लिए फेवरेबल हो जाए, और वो हमारा जो वो पर्सन जो है वो हमारा कंज्यूमर बन जाए, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। और मार्केटिंग मिक्स क्या है, एक मॉडल है, क्या है, एक मॉडल है जिसमें हम यहाँ पे जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा चीज को तैयार करते हैं जो मार्केटिंग मिक्स कहलाती है, और वो हमें हेल्प करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो मार्केटिंग हमेशा ध्यान रखना, क्या मार्केटिंग प्रॉफिटेबली होगी? बिल्कुल होगी। अगर आप कोई सामान बेच रहे हो और उसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो वो मार्केटिंग नहीं है, ठीक है, वो तो सेवा हो गई फिर, ठीक है। तो मार्केटिंग में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई तो करना है बट प्रॉफिटेबली करना है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो मार्केटिंग मिक्स है, ये टर्म किसने दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, मार्केटिंग टर्म किसने दी है? तो सबसे पहले मार्केटिंग टर्म जो यूज की थी वो नील एच बोर्डन ने की थी, ठीक है, कब की थी, 1949 में की थी, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे बात की डिस्ट्रीब्यूशन की, एडवर्टाइजिंग की, पर्सनल सेलिंग की और प्राइसिंग की। तो यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई थी मार्केटिंग मिक्स में, कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ अवेलेबल करवाओगे, अपने प्रोडक्ट के यहाँ पे आप क्या क्या चीजें देके चलोगे, आप कैसे कैसे सेल करोगे, क्या प्राइस रहेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीजें, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा कि आपका प्रोडक्ट सब तक पहुंच सके। तो ये चीज है जो यहाँ पे रहती है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्या है, मार्केटिंग मिक्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है। अगर आपको कोई वेजिटेबल बनानी है तो आपके इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ऐसे ही अगर आपको मार्केटिंग को फ्रूटफुल करना है तो आपको भी कुछ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। और वो मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो मेजर इंग्रेडिएंट्स हमारे 4 P's हैं जिनको हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे और बात आई, तो यहाँ पे जो मार्केटिंग मिक्स में क्या किया गया, ये जो मैकार्थी है, ठीक है, ईजे मैकार्थी के नाम से हम इनको जानते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि मार्केटिंग टूल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स के वेरिएबल्स है ना, उनको 4 हिस्सों में बांट देना है। आप जब पढ़ोगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में इतनी बड़ी लाइन है, प्राइसिंग में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, प्लेस में भी, प्रमोशन में भी। तो इन्होंने बोला जो बहुत सारे हमारे स्टेप्स हैं जो यूज किए थे नील एच बोर्डन ने, इसको क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके इन्होंने 4 P's यहाँ पे बना दिए। और ये जो 4 P's हैं, ये क्या हैं, ये सारे के सारे आपके जो टैक्टिक्स हैं, टूल्स हैं, ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए किस चीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, वो चीज हमें चूज करनी है। आपका प्रोडक्ट और सर्विस ऐसा नहीं होता कि हर जगह एक ही चीज यूज हो जाएगी, एक तरीके की स्ट्रेटेजी लगेगी, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं है। तो ये जो 4 कॉम्पोनेंट है, ये मेन कॉम्पोनेंट्स हैं, इनको किस क्वांटिटी में यूज करना है, कितना यूज करना है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो कभी भी ये मत आंसर करना कि यहाँ पे जो मार्केटिंग मिक्स है इट इज सेम फॉर ऑल, इट इज नेवर सेम फॉर ऑल। हमेशा यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा एज पर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज यू आर ऑफरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 P's हैं, ये किस लिए काम करते हैं, ये मेनली प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं, प्रोडक्ट मतलब टेंजिबल थिंग के लिए काम करते हैं। और हम बात करते हैं मार्केटिंग में कि हम तो सर्विस भी जो है वो भी डिलीवर करते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 2 चीजें होती हैं, वैसे हमारे पास 10 चीजें होती है जिनको आप मार्केट कर सकते हो। आइडिया भी मार्केट होता है, एक्सपीरियंस भी मार्केट होता है, प्लेसेस, पीपल भी मार्केट होते हैं, बट हम 2 मेजर लेके चलते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ पे जब टेंजिबल्स की बात आती है तो इन्होंने हमारे पास यहाँ पे 4 P's दिए हैं और इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है 4 P's में, ठीक है। बट इसके बाद जब बात आई सर्विसेज की, तो यहाँ पे मैकार्थी ने तो 4 P दे दिए, अब बूम्स एंड बिटनर हैं वो आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 additional P's दे दिए, और ये 3 P's जो है वो सर्विसेज के लिए थे। और ये 3 P's है क्या, एडिशनल 3 P's ये है हमारे पास, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, ठीक है। ये जो 3 P's है वो है पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है मैम, क्वेश्चन ये बनता है ये 3 P किसने दिए, 4 P किसने दिए थे, सबसे पहले किसने यूज किया था मार्केटिंग मिक्स, ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहां तक सब क्लियर है, बहुत बेसिक सा है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना है, ठीक है, क्लियर है सभी को। बिल्कुल सही बता रहे हो आप सभी भी, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं कि प्रोडक्ट के लिए हम क्या चीज लेके चलते हैं। अब हमने बात की कि 4 P's में सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपका प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या होगा, क्या आपका फंक्शन है प्रोडक्ट का। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राई क्लीनर बना रही हूँ, ठीक है, तो ड्राई क्लीनर ने ड्रायर सॉरी तो ड्रायर का फंक्शन क्या है कि वो हेयर ड्रायर करेगा, या फिर कोई और चीज है जो भी उसका फंक्शन है जिसके लिए वो बनाया जा रहा है, वो फंक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टाइलिंग क्वालिटी क्या है, सेफ्टी मेजर्स, पैकेजिंग कैसी हो रही है, क्योंकि बहुत चीज डिपेंड करती है पैकेजिंग पे, आपको पैकेजिंग किसी चीज की अच्छी लगती है तो आपका मन करता है भाई खरीद लो इसको, ठीक है। और फिर इसके बाद है रिपेयर एंड सपोर्ट, कि क्या आप जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो उसकी आसानी से रिपेयर हो जाती है क्या, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छे से मिल जाती है क्या, वो चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके साथ साथ आता है वारंटी, एसेसरीज एंड सर्विस, कि यहाँ पे जब कोई प्रोडक्ट को कुछ हो जाएगा तो आपको सारी जो सुविधाएं स्पेयर पार्ट्स हैं वो इजिली मिल जाएंगे या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद लिया उसके जो है वर्कशॉप ही नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ता है उस सामान को दिखाने के लिए, सही करवाने के लिए, तो ये चीज ज्यादा नहीं होती, क्या होती है, प्रेफरेबल नहीं होती। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ब्रांड नेम क्या है, जो लोग ब्रांड डिसाइड करते हैं जब नाम रखते हैं तो बहुत रिसर्च होती है इस चीज पे, ठीक है। जो ब्रांड नेम है, फिर उसका जो साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो बहुत मैटर करती हैं। तो ये चीज आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट है, जो काम वो प्रोडक्ट करेगा, उससे मिलता जुलता ही आपका ब्रांड नेम होना चाहिए,
फिर इसके बाद फंक्शनैलिटी, सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी हैं, और आपका प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, सेफ टू यूज। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा डेंजर है तो वो प्रोडक्ट लोग आसानी से नहीं खरीदने वाले हैं। फिर इसके बाद आती है प्राइसिंग डिसीजंस। अब हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी पढ़ते हैं तो बहुत सारे टाइप्स की प्राइसिंग आती है। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट बनाना है और एक ऐसे प्राइस पे बनाना है, अवेलेबल करवाना है कि लोग उसको खरीद सके आराम से। तो जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है इसमें हम 21 टाइप्स की प्राइसिंग जो है ना वो पढ़ते हैं। बहुत सारी टाइप्स की प्राइसिंग होती है जिसको हमने स्टडी करना होता है। आज की क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक प्राइसिंग का अपना एक और टॉपिक है। फिर इसके बाद है सजेस्टेड रिटेल प्राइस। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जा रहा है, रिटेलर पे जा रहा है, फिर कंज्यूमर पे जा रहा है, तो इसका रिटेल प्राइस कितना होगा, होलसेल प्राइस कितना होगा, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। आप अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दोगे या नहीं, कितना डिस्काउंट दोगे वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सीजनल प्राइसिंग कितनी होगी, आपने देखा है कोई चीज है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे मान लो एसी है, गर्मियों में तो बहुत महंगे होते हैं, सर्दियों में डिस्काउंट लग जाता है, ठीक है। सीजनल प्राइसिंग, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक सीजन में बहुत ज्यादा बिकता है दूसरे सीजन में कम बिकता है, तो जिस सीजन में उसकी कम सेल्स होती है ना उधर वहां पे प्राइस को कम कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है बंडलिंग। अब बंडलिंग क्या होता है, अगर आप दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, मिला के मतलब जोड़ के बेचते हैं, एक साथ बेचते हैं, तो वो भी हमें देखना है कि आप जो दो चीजें हैं अलग अलग उनको अगर एक साथ बेच रहे हो तो क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपका जो प्राइस है वो हमेशा ही आप एक प्राइस रखोगे या थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि यहाँ पे हम प्राइजेस में डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर कर देते हैं या नहीं कर देते हैं, या हम बिल्कुल ही रिजिड प्राइस रखते हैं कि हाँ यही प्राइस होगा। क्योंकि क्या होता है, आपने एक प्राइस डिसाइड किया, आपको ये भी देखना है कि भाई इस प्राइस पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा या नहीं, तो आपको इतना मार्जिन एटलीस्ट रखना होता है कि मैं एक बार अगर प्रोडक्ट का प्राइस बता रही हूँ मार्केट में तो उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हो तो वो चेंजेस फिजिबल हो, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये हम जानते ही हैं, ज्योग्राफी वाइज यूसेज वाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक जगह पे एक चीज का सेम चीज का अलग प्राइस है, दूसरी जगह पे अलग प्राइस है, तो ये चीज भी हमारे लिए यहाँ पे क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, प्लेस डिसीजन। अब अवेलेबिलिटी भी तो जरूरी है, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, ऐसे प्राइस पे बना दिया, लोग खरीदने को तैयार हैं, बट आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे उसको सामान उसकी जगह पे, आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो इस लोकेलिटी में, वो बंदा बैठा इधर, तो कैसे आएगा, इतना फर्क है, कौन लेने जाएगा इतनी दूर सामान, तो बोलेंगे छोड़ो। तो यहाँ पे हमें क्या चीज देखनी है, यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है, और मार्केट कवरेज, कि आप कितनी मार्केट को कवर करना चाहते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारे पास आते हैं ये तीन चीजें, और मार्केट कवरेज में आती है ये चार चीजें। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है सिलेक्टिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। इंटेंसिव मतलब हर जगह मिल जाएगा, चप्पे चप्पे पे आपको वो सामान है जो मिल जाएगा हर जगह, अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुरकुरे का पैकेट लेने जाना है, हर जगह मिल जाएगा, कोई ज्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। सिलेक्टिव कि मान लो टॉप 10 शॉप्स हैं आपके एरिया में जहां पे वो चीज मिलेगी, हर जगह नहीं मिलेगा, अगर ये चीज लेनी है तो इसी दुकान पे मिलेगी, इसी शोरूम में मिलेगी। एक होता है एक्सक्लूसिव, वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक आउटलेट पे आपको सामान जो है वो मिलने वाला है, ये होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है। जैसे एप्पल के आईफोन एप्पल स्टोर पे मिलेंगे, एक्सक्लूसिव। सिलेक्टिव टॉप शॉप्स है किसी किसी पे मिलेंगे, इंटेंसिव हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। जो हमारा कुरकुरे का पैकेट है वो जो एक छोटी सी शॉप कर रहा है व्यक्ति, उसके पास भी है, बस में जो लोग आप ट्रेवल करते हो कभी तो आपको दिखता है वो लोग आते हैं सामान बेचने, उनके पास भी मिल जाएगा, और आप कहीं से भी ले लो विद इन 1 किलोमीटर आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जो ये सामान बेच रही होंगी, ठीक है। कुछ होते हैं सिलेक्टिव, जो सिलेक्टेड थोड़ा इम्पोर्टेड माल हम बोल देते हैं ना कि ये तो इम्पोर्टेड है, या ऐसा है कि यहाँ पे ये जो सामान है इसकी थोड़ा प्राइस ज्यादा है, तो कुछ ही सिलेक्टेड स्टोर्स पे आपको मिलेगा। तो ये तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, आपको याद रखने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मार्केट कवरेज, कि भाई आप मार्केट कितनी कवर करना चाहते हो। मेरा तो बस ये है कि मेरे को जहां पे मेरा आउटलेट है उससे 2 किलोमीटर का रेडियस कवर करना है, 4 का कवर करना है, 6 का कवर करना है, कवरेज कितनी है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन,
देखो जब आप मार्केट को कवर करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम तो हर जगह अपना प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, ये चीज आएगी। आपको सारा कुछ देखना पड़ेगा। अगर मैं प्रोडक्ट यहां बना रही हूँ, बेचना मेरे को यहाँ है, तो मेरे को इन बिटवीन यहाँ पे अपने स्टॉपेज बनाने पड़ेंगे, और इसके आसपास मेरे को वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे, सो देट ये जो सामान है बना के मैं वेयर हाउस में बेचूं और फिर यहाँ पे वो सामान बिक जाए। ठीक है, इन्वेंट्री भी मेरे को उतनी रखनी पड़ेगी। अगर मेरी मार्केट कवरेज बहुत ज्यादा है तो मेरे को उसी हिसाब से प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा करनी होगी। ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि यहां से भी ऑर्डर आ रहा है भाई, यहां से भी ऑर्डर आ रहा है, यहां से भी ऑर्डर आ रहा है, यहां से भी ऑर्डर आ रहा है, कैसे उन ऑर्डर का भुगतान करें, वो सारी चीजें। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाओगे और आप सोच रहे हो कि मार्केट में मैं पूरा इंडिया कवर कर लूं, लेट अस सपोज, तो आपको वहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा हेल्प लेनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन की प्लेस डिसीजन है, तो ट्रांसपोर्टेशन को तो आप एक नेटवर्क आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारी मार्केट कवरेज में जो आती हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का काम है यूटिलिटी प्रोवाइड करना। कौन सी यूटिलिटी प्रोवाइड? तो यूटिलिटी सारी करेंगे, ये प्लेस यूटिलिटी की बात करता है। ठीक है, रिमोट एरियाज में भी अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो, वो सारी चीजें। फिर इसके बाद आता है फोर्थ पी, है प्रमोशन डिसीजन, प्रमोशन मिक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रमोशन डिसीजन में क्या है? पुश और पुल। प्रमोशन डिसीजन में पुश और पुल क्या होता है? कि हम एड्स कर रहे हैं, ठीक है, आगे आगे बता रहे हैं, ये क्या है, अपने प्रोडक्ट को हम पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं मार्केट में। एक होता है कि हम प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करवा रहे हैं, एक होता है प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, एक होता है प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना। दोनों में बहुत फर्क है। एक चीज क्या है कि क्या आपको भी लगता है ये चीज आपके पास होनी चाहिए? भाई लगता तो है, लगता तो है, वो डिमांड करेंगे। तो प्रोडक्ट की डिमांड ये क्या है? पुल, कि हम खींच रहे हैं कस्टमर्स को, और ये एक प्रोडक्ट है जो आपकी नीड्स को पूरा कर सकता है, ये चीज ऐसे करेगी, ये काम ऐसे करेगा, और आपका जीवन बहुत आसान हो जा रहा है। ठीक है, आपको ज्यादा, अब वॉशिंग में फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ के लिए हम कुछ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, होम मेकर्स के लिए, तो अब आपको जो कपड़े हैं वो हाथ से, बार ब्रश और ग्लू की शक्ति अब एक ही चीज में है, वो चीज हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपकी नीड पूरी हो रही है। ऑटोमेटिक मशीन्स आ रही हैं तो नीड पूरी हो रही है। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ रहे हैं जो आपके काम को इजी बना रहे हैं, तो वो चीज आप क्या कर रहे हो, आपकी जो जरूरत है उसको पूरा कर रहे हो, एंड आप इजीनेस प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये चीज दो तरीके से ही बिजनेस किया जाता है, या तो आप जो नीड है उसको पूरा कर दो, या जो आपका प्रोडक्ट है उसके प्रति आप अपनी नीड जो है वो अराइज करवा लो। तो ये दोनों पुश और पुल में आती है, पहला है पुश और दूसरा है पुल। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, हमारे पास एक पर्सन है, एक पर्सन जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स को एक सेम मैसेज दे रहा है, और ये पर्सन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। ठीक है, जिसको पैसा दिया जाता है, पेड, यहाँ पे मार्केटिंग का ही टूल है। फिर पर्सनल सेलिंग क्या है, वन ऑन वन डिस्कशन, जहां पे आपका प्रोडक्ट थोड़ा टेक्निकल है और आपको बिल्कुल वन ऑन वन डिस्कशन करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, और फिर उसको वो जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है जो क्रिएट होगी। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, ये होता है फॉर स्मॉल फेज हम बोल सकते हैं, ये कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए चीज आती है, जहां पे आपके पास क्या है, आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर हो गया है तो अब क्या होगा, अब ज्यादा प्रोडक्शन हो गई है, अब ज्यादा अगर वो पड़ा रहेगा तो सामान खराब ही होगा, तो हम क्या करते हैं, अपनी सेल्स को बूम करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए सेल्स प्रमोशन कर देते हैं, कोई ऑफर्स लगा दिए, डिस्काउंट लगा दिए, रीबेट कर दिया, ठीक है, और आपको लोन पे प्रोवाइड कर दी चीज, जीरो फाइनेंस पे, तो ये सारे क्या है, सेल्स प्रमोशन है। कोई कूपन वगैरह दे दिए, ये सारे सेल्स प्रमोशन के टूल्स हैं। फिर आता है पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होता है, पब्लिसिटी होता है कि जब आप कोई नॉन पेड क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ऐड हम खुद नहीं कर रहे, नॉन पेड क्या है, एक एक पर्सन ने मेरे से सामान खरीदा, मैंने एक सामान प्रोवाइड किया कस्टमर को, उसको अच्छा लगा वो आगे जाके दो लोगों को बता रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा वो आगे जाके दो लोगों को बता रहे हैं। तो पब्लिसिटी क्या होती है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव कैसे, अच्छा एक्सपीरियंस है आगे बताएगा, बुरा एक्सपीरियंस है वो जाके आगे बताएगा। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, जैसे कि हम एक सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, साथ में हमने क्या किया, एक पार्क बनवा दिया कि वहां पे जो ओल्ड एज है वो शाम को बैठ सकते हैं, पार्क में घूम सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला कि हमारा जहाँ बिजनेस है जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं टू ग्रो, हमारे कस्टमर्स बन रहे हैं, तो हम उस सोसाइटी को कुछ पे बैक करें, तो ये पब्लिक रिलेशंस हो जाते हैं। जहां पे आपका ही नाम हो रहा है, ये फलाना पार्क किसने बनवाया, वो नाम लिखा होता है ना,
बोलते हैं हाँ यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, इससे ही हमें सामान है जो लेना चाहिए, वो चीज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और पब्लिसिटी क्या हम बोलते हैं, पब्लिसिटी को हम वर्ड ऑफ माउथ भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पेड नहीं होती। हालांकि अभी तो लोग पेड पब्लिसिटी करवाते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं हो रही, बट वो पेड होती है, पैसे दिए होते हैं और वो अपने आप से अच्छाइयां करने लग जाते हैं बिना प्रोडक्ट को यूज किए। फिर इसके बाद है प्रमोशनल बजट, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास है 1 करोड़ का बजट, सारा का सारा प्रमोशन में डाल दो, ऐसा नहीं होता। देखना पड़ेगा कितना प्रोडक्शन के लिए चाहिए, कितना मार्केटिंग में चाहिए, कितना और एक्टिविटीज में चाहिए, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना चाहिए। तो प्रमोशन बजट जो आपको मिलेगा, वो प्रमोशन बजट के तहत ही आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, सो दैट आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे पाए। और ये किसको दे पाएंगे इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हम दे पाएंगे उन सभी लोगों को जो हमारे कंज्यूमर बन सकते हैं, और हम चाहते हैं कि ये लोग हमारे कंज्यूमर बने, ठीक है। अब जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए आपको बताती हूँ। क्या मैं किसी एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को बताऊंगी क्या कि मैं यूजीसी नेट की कोचिंग देती हूँ? नहीं, वो है ही नहीं उस फील्ड में। क्या मैं 11वीं 12वीं के बच्चों को बोलूंगी क्या मैं यूजीसी नेट की कोचिंग देती हूँ? नहीं। क्या मैं कोई यूपीएससी एस्पिरेंट को बोलूंगी? नहीं, मैं उनको ही बोलूंगी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो वही चीज होती है, आपको यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो देखना है कि कौन लोग आपकी ऑडियंस है, और उनको आपको बताना है कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है जो यहाँ पे आती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे हमारे पास बिटनर और बूम्स है, इन्होंने भी हमारे पास तीन प्रोडक्ट और ऐड, तीन पीस और ऐड किए हैं। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये तो है ही है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद जो पीपल है ये क्या है, तो यहाँ पे पीपल का मतलब क्या है, सारे के सारे ह्यूमन एक्टर्स को प्ले अ पार्ट इन सर्विस डिलीवरी। अब जब आप सर्विस की बात करते हो तो सर्विस कैसे दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप एक होटल में जा रहे हो, वहां पे प्रोडक्ट क्या है, वो खाना है, ठीक है। बट वो एक्सपीरियंस जो आप लेते हो वहां पे, कि आप गए, आपका वेलकम किया गया, आपको डाइनिंग पे बिठाया, फिर आपका ऑर्डर प्लेस करवाया, ठीक है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, फिर वो ऑर्डर आने से पहले आपको कुछ सामान, सामान क्या मतलब वो टेबल है जो लगाई गई पूरी सेट की हुई, ठीक है, और फिर आपका जो खाना है वो आया और आपको फिर वो सर्व किया गया, फिर खाना खाने के बाद वो टेबल क्लीन करके और आप चले गए और आपको वो दिया गया लेमन वाटर, सो दैट आप अपने हैंड वॉश कर लो वहां पे। तो वो चीजें यहाँ पे रहती है, ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये एक सर्विस है, तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जैसे आपने एंटर किया तो वो गार्ड होगा जो वो आपके लिए गेट खोलेगा, ठीक है, और आप एंटर करोगे, डोर ओपन करेगा। फिर उसके बाद आप जब अंदर जा रहे होंगे तो एक पर्सन आपको बोलेगा कि ये डाइनिंग पे आप आ जाइए, आप बैठ जाओगे वहां पे जाके। फिर एक पर्सन आएगा जो वेटर होगा, जो ऑर्डर प्लेस करवाएगा, तो वो ऑर्डर लेने आएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये लोगों के द्वारा की जा रही है। तो ये बोलते हैं जब एक सर्विस आपको मिलती है ना, तो यहाँ पे कैसे वो सर्विस दी जा रही है, सर्विस कैसे डिलीवर हो रही है, तो उसमें जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। अब आप देखो, आप बोलते हो ना कि मेरे को ना इस शॉप से सामान लेना पसंद नहीं है, चिड़चिड़ करके बोलते हैं यहाँ पे लोग, और दूसरी शॉप है हांजी हांजी करके बोलते हैं, वहां पे आप सामान लेना प्रेफर करते हो। अब सामान तो सेम ही है ना, एक है जो बहुत अच्छे से आपको डील कर रहे हैं, एक है बहुत बेकार तरीके से डील कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, यहाँ पे बायर्स का जो परसेप्शन है वो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है किस तरीके की आपकी डिलीवरी है, ठीक है। फर्म का पर्सोनल मीन्स एक कस्टमर, जहां पे आप जा रहे हो एक फर्म में वहां पे लोग कैसे हैं, और जो कस्टमर कस्टमर है और कस्टमर इन द सर्विस एनवायरमेंट, ये सारी चीजें जो है उनका यहाँ पे क्या होता है, बायर जो है उसका इन्फ्लुएंस होता है परसेप्शन, और इसकी वजह से यहाँ पे आपकी सर्विस कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी वो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। और सर्विसिंग में जो सबसे ज्यादा नाम चलता है वो है जेटमल, ठीक है। यहाँ पे एक मॉडल आता है गैप मॉडल, सर्विस गैप मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि आपने जब ऑर्डर प्लेस किया, आपको ऑर्डर मिला, वो 5 तरीके के यहाँ पे गैप हैं जो निकल के आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आपका परसेप्शन था और क्या एक्चुअल में आपको डिलीवर हुआ। इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये 5 गैप के थ्रू स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है पीपल। फिर इसके बाद आता है प्रोसेसेस। अब एक्चुअल प्रोसीजर मैकेनिज्म किस तरीके से काम होगा, कैसे सर्विस डिलीवरी होगी, ये सारी चीजें भी हैं जो यहाँ पे काम में आती हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग अ लोन वुड इंक्लूड फाइलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको लोन लेना है, अब प्रोडक्ट क्या है, आपको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, बट वो लोन के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा,
एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, सबमिट करोगे, क्रेडिट चेक देखा जाएगा आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, फिर उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद आपको लोन है जो दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस अगर बहुत ज्यादा लेंदी होगी तो आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे तो चीज के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, और अगर कहीं और आपका यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो बहुत स्लो होगा, स्मूथ होगा, तो वहां पे आप बहुत अच्छे से काम है जो करोगे। तो प्रोसेस भी आपको देखनी है कि आपके कॉम्पिटिटर से आप कितना अच्छा अपने प्रोसेस को बना सकते हो, स्मूथ बना सकते हो, इजी बना सकते हो, सो देट आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज ले सको। तो ये भी मार्केटिंग मिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद आता है 7 फिजिकल एविडेंस। अब सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या है, देयर शुड बी फिजिकल एविडेंस दैट द सर्विस वॉज डिलीवर्ड। अब यहाँ पे एक सर्विस हुई उसका कुछ ना कुछ फिजिकल एविडेंस होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल लिया, आपने खाना खाया तो उसका जो है फिजिकल एविडेंस हो जाता है बिल, बिल आएगा और आप उसको पे करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है फीडबैक फॉर्म। तो ऐसे यहाँ पे भी फिजिकल एविडेंस होना चाहिए। और एडिशनली फिजिकल एविडेंस पर्टेन्स ऑल्सो हाउ अ बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट्स परसीव्ड इन इट्स मार्केट प्लेस, कि कैसे मार्केट प्लेस में उसकी छवि बनी हुई है और एक्चुअल में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। एवरी मैकडोनल्ड आउटलेट्स राइट फ्रॉम द एक्सटीरियर टू इंटीरियर एंड एम्प्लॉइज इवोक कॉन्फिडेंस इन द काइंड ऑफ सर्विस अ कंज्यूमर कैन एक्सपेक्ट एंड एक्चुअली गेट्स। अब मैकडी क्या है, एक फ्रेंचाइजी है, एक फ्रेंचाइजी है, ठीक है। अब इस फ्रेंचाइजी में आप देखोगे कहीं पे भी चले जाओ आपको मैकडी के जो आउटलेट्स हैं वो एक तरीके के दिखाई देंगे, इंटीरियर भी और आउटसाइड भी, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों जगह से एक तरीके का एक्सपीरियंस आपके पास होगा और आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे भी सेम वही चीजें हैं, यहाँ पे भी सेम वही चीजें हैं, वही कलर के यहाँ पे जो है पूरा वॉल का पेंट हुआ हुआ है, वही कलर के डोर है, वही कलर के बेंच है, वही कलर के टेबल चेयर्स हैं, वही तरीके से सारा इंटीरियर डिजाइन किया हुआ है और लोग हैं हर जगह, सेम ड्रेस कोड है, तो वो चीज है एक फिजिकल एविडेंस, ठीक है। जो मैंने बिल बोल दिया था ये नहीं होगा, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल एविडेंस है कि जो लोग आपको डिलीवर कर रहे हैं सर्विस वो किस तरीके से एक यूनिफॉर्मिटी लेके आ सकते हैं, सो दैट हम वहां पे ये समझ जाएं कि ये हमारे लिए क्या है, एक फिजिकल एविडेंस। क्या ये चीज आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस गाइज, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हमारे पास ये क्या है, ये 4 पीस थे और 3 पी एडिशनल थे। 4 पीस किसने दिए थे? 4 पीस दिए थे मैकार्थी ने, ठीक है, ईजे मैकार्थी। और 3 पीस जो है बूम्स एंड बिटनर ने दिए। इन सबको 7 पीस बना दिया फिलिप कॉटलर ने। नील एच बोर्डन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मार्केटिंग मिक्स टर्म को यूज किया था। अब उसके बाद हमारे पास आता है रॉबर्ट लूथर बोर्न। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 पीस को 4 सी में कन्वर्ट कर दिया। ये बोलते हैं कि जो आप बोल रहे हो ना कि प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या है, वो एक कस्टमर का बेनिफिट है। कस्टमर को मिलेगा क्या, वो प्रोडक्ट मिलेगा। प्राइस क्या है, कस्टमर की कॉस्ट, कितना कॉस्ट वो देगा। अगर आपको याद हो वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, कि कितनी कॉस्ट पे कितना बेनिफिट है जो आपको मिलने वाला है, कितना पैसा लगा के कितना कमाओगे। अगर आपका बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट से तो यू विल बी हाईली सेटिस्फाइड, या हम बोल सकते हैं डिलाइटेड, ठीक है, कस्टमर विल बी डिलाइटेड। अगर आपकी जो बेनिफिट और कॉस्ट है वो बराबर है तो आप सेटिस्फाइड होंगे कि ठीक है जितना पे किया उतना हो गया। अगर बेनिफिट कम है कॉस्ट ज्यादा है तो आप हो जाएंगे अनसेटिस्फाइड, और यहां पे अनसेटिस्फाइड होंगे तो आप करेंगे नेगेटिव पब्लिसिटी, और अगर आप डिलाइटेड होंगे तो आप करेंगे पॉजिटिव पब्लिसिटी। ये चीज है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लेस, प्लेस मतलब क्या है, कंज्यूमर की कन्वीनियंस, कि कितना इजीली उसको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर है प्रमोशन, ये है कम्युनिकेशन, कि कंज्यूमर को कैसे बताया जाता है एक प्रोडक्ट के बारे में। देयर आर डिफरेंट वेज, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी एंड सो ऑन, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग भी हम लेके चलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे रहती हैं 4 सीज में। और अब मॉडर्न मार्केटर्स जो हैं वो बात करते हैं 4 चीजों की। वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट को रिप्लेस करो यहाँ पे सॉल्यूशन से, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, कंज्यूमर के लिए एक सॉल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम का, ठीक है, कस्टमर के लिए क्या है, सॉल्यूशन है। और वैल्यू क्या है, वैल्यू वो चीज है जो उसको मिली फॉर कॉस्ट,
कॉस्ट बियर करके आपको क्या बेनिफिट मिला, दैट इज योर वैल्यू। फिर एक्सेसिबल, प्लेस फ्रॉम वेयर कस्टमर एक्सेस प्रोडक्ट कन्वीनियंटली, जो कन्वीनियंस है वो अब एक्सेस बन गई है, प्लेस एक्सेस बन गई है। प्रमोशन गिव्स इंफॉर्मेशन बाय कम्युनिकेटिंग ऑफरिंग्स, कि यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेटिंग ऑफरिंग्स कि आप क्या बेच रहे हो वो कम्युनिकेट करना, मींस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो जो मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में 2 मिनट बताती हूँ सारा, कि मेरी क्लास कहाँ पे होती है, कब होती है, कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं पीडीएफ, ये सारी चीजें, वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि आप अब मॉडर्न एरा में हो। तो मॉडर्न मार्केटर्स डजंट यूज क्या, कम्युनिकेटिंग वर्ड और प्रमोशन वर्ड, दे फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप इतने समझदार हैं, आप अपने डिसीजन खुद बना सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या डिसीजन बनाओगे, इंफॉर्मेशन चाहिए बिल्कुल। तो वो चीज यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये मार्केटर जो है, मॉडर्न मार्केटर्स इस मार्केटिंग मिक्स को यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो बात करता है मार्केटिंग मिक्स की। किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। अब भक्ति जी आपको प्लेलिस्ट चैनल के कमेंट में मिल जाएगी, पिन कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू सृष्टि, इट मीन्स अ लॉट। बता दीजिए किसी को कुछ भी पूछना है, जो मैंने आपको बोला ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इनका ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन है जो बनते हैं, और ये जो वर्ड्स हैं यहां से भी आपको मैच द कॉलम में भी आ सकता है, या ये पी वर्ड ना यूज करके ये वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं, तो ये 4P और 4C ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और यहां से एक चीज हमने सीखी, यहां पे मैंने आपको वैल्यू बता दिया, वैल्यू से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इसको भी आपको क्लियर करना है, वैल्यू इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, दैट सेट। ज्यादा याद ही नहीं करना कि वैल्यू क्या है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, कितनी लागत पे कितना आपको फायदा मिल रहा है, दैट इज वैल्यू।